तालाब का तो रेनोवेशन का प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ है लगभग 16 करोड़ रुपए का, उम्मीद है कि जल्दी काम शुरू होगा। रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि जल्द ही रेवाड़ी की ऐतिहासिक धरोहर बड़ा तालाब के सौंदर्यकरण का काम शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर डीसी अशोक कुमार गर्ग और नगर परिषद के अधिकारी बड़ा तालाब के साथ लगते पार्क में लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन करने पहुंचे थे, जहां डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बड़ा तालाब का भी जायजा लिया है। इसके साथ ही बड़ा तालाब के साथ लगते पार्क में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने स्थानीय लोगों ने भी समस्याएं रखी, जिस पर डीसी ने नगर परिषद के अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर का बड़ा तालाब ऐतिहासिक धरोहर है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए वर्षों से बातें की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर हालात बद से बदतर बने हुए हैं। बड़ा तालाब का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि सरकार चाहे तो इसे एक पर्यटक स्थल का रूप दे सकती है, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और बिल्डिंग भी कंडम होती जा रही है। ऐसे में लोगों को एक बार फिर उम्मीद जगी है कि शायद इस बार बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार हो जाएगा। स्थानीय लोगों की समस्या के बारे में डीसी ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। अंधेरा अंधेरा अब तो थोड़ी सी मंदिर पे लाइट लाइट लगी ये जो बाथरूम करवा रखा है, सफाई करते हैं, ठेकेदार लगा रखा है हमें, बच्चे क्या खाएंगे बाबू जी? अगर कहते हैं लोग बाग उनको सफाई बंद कर दे बाबू जी, मत जाओ तो लोग बाग हमारे को सीधे बोलते जाते हैं, कहीं पब्लिक करो तुम कम सा दे दो, हम तुम्हारे लिए खुला।